प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नववर्ष आरंभ हो रहा है। नववर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। भारतीय संस्कृति का ये नववर्ष संवत 2080 महाराज विक्रमादित्य के शुभ कर्मों से भारतीय संस्कृति उन्होंने सम्मान दिया और उनके नाम से संवत का पदार्पण हुआ। कहा जाता है कि जिस दिन जो राजा अपने अपने समस्त प्रजाजनों का कर्ज भार उतार देता था स्वयं अपने कार्यों के द्वारा, तो उस दिन से उनके नाम से संवत आरंभ करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही। तो आज से 2080 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने जो अद्भुत कार्य भारतीय संस्कृति के लिए किया उसको आज भी हम सम्मान करते हैं और चैत्र आदि नव संवत का शुभारंभ उस दिन उनके नाम से करते हैं, महाराज विक्रमादित्य के नाम से। हर एक मन में उत्कंठा होती है कि नववर्ष आरंभ हो रहा है, कैसा रहेगा, क्या जानना चाहिए। तो ये माने कि ये नववर्ष का जो शुभारंभ हो रहा है, जब हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत शुभ योग हो रहा है आपके लिए। गज केसरी योग विद्यमान है, पिंगल नाम का योग बना हुआ है, बुधवार का अवसर है। पिंगल नाम का बेसिकली मुहूर्त इस नव संवत का नाम है और बुधवार का शुभ दिन है। बहुत वर्ष बाद इतने सुंदर योगों में, इतने सुंदर गजकेसरी योग के अंतर्गत नववर्ष का आरंभ देखने को मिल रहा है। तो बहुत कुछ नया उन्नतिदायक योग आपके जीवन में होने के योग दिखाई देते हैं। गजकेसरी योग अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया कल्याणकारी योग है। और मुख्य ग्रहों का परिवर्तन यदि हम एनालाइज करने का प्रयास करें, वैसे तो परिवर्तन तो हर क्षण ग्रहों का होता रहता है, उसके अनुसार से भाग्य में बनने बिगड़ने के खेल चलते रहते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए हम बात करें तो शनि मेन परिवर्तन के योग का लंबे वाले ग्रह हैं, चलते हैं गणना के अनुसार से। राहु, केतु, बृहस्पति, ये लंबे ग्रहों की गणना वाले हैं जो एक एक वर्ष, तो बृहस्पति का परिवर्तन भी इस वर्ष होगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि ये समय आपके लिए गजकेसरी योग से जिस प्रकार शुरू हुआ है, सुख का पदार्पण करने के लिए बड़े सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके निमित्त आपके आगे बढ़ने के बड़े सुंदर योग इस वर्ष बनेंगे। तो यदि आप इसका पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ चलने के लिए, क्योंकि समय दो धारी चाल चल सकता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन तो बहुत शुभ हो ही गया है, लेकिन ग्रहों का जिस प्रकार का योग बनेगा, कुछ अच्छा कुछ खराब, उसको आपको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस 2080 में आपके लिए कुछ बहुत अच्छे कार्य बनेंगे, जो आपके कार्यों से निष्पादित फल होगा वो आपको सफलता भी देने के योग दे सकता है, लेकिन प्रोग्रेस में थोड़ी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इस बात के भी योग दिखाई देते हैं। लेकिन आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता है, आपके शत्रु आपको थोड़ा परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो वो समय पर कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह योग बनेगा, तो इसलिए आपको विशेष तौर पर बड़ी सावधानी के साथ अपने कदमों को बढ़ाने की ज़रूरत है वृषभ राशि वालों के लिए। समय दो तरफा चाल चलेगा आपके लिए इस बार विशेष तौर पर। अगर हम समझें कि बृहस्पति का सबसे मुख्य परिवर्तन, शनि का तो परिवर्तन हो चुका, वो तो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन जो बृहस्पति का परिवर्तन अब होने जा रहा है, एक छोटा सा परिवर्तन तो 31 मार्च को होगा जब बृहस्पति सूर्य के कारण से अस्त हो जाएंगे, वो आपके लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। उसका उपाय आपको हम बताएंगे अलग से वीडियो में, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि गोचर के चरण से थोड़े दिन के लिए है प्रभाव। लेकिन उसके बाद जो मुख्य परिवर्तन बृहस्पति का होगा 21 अप्रैल से, वो आपके 12वें भाव में होगा। वो 12वें भाव में परिवर्तन जो है कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ कष्ट भी उत्पन्न करने के योग देता है। तो इसलिए आपको खासतौर पर सुख को पदार्पण कराएगा, ट्रैवल भी करा सकता है, बहुत कुछ दे सकता है इस वर्ष में, लेकिन ओवरऑल हम चाहेंगे बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सेहत और अपने कृत्यों पर विशेष तौर पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। कुछ खास उपाय आपके जीवन में इन कष्टों को दूर करने के योग दे सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी जन्मपत्री के अनुसार से हर चीज़ को एनालाइज कर समझ को डेवलप करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। माँ का भगवती का भगवान का सानिध्य, भगवान का नित्य प्रति पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में जुर्माने भी हो सकते हैं, कुछ मामलों में खर्चे बढ़ सकते हैं। आपने उम्मीद लगाई बैठी थी कि आपको लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज जैसे परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल परिपक्व काल है, उस समय वो अस्त हो जाएंगे और उसके बाद परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जिन कार्यों में आप लिप्त हैं उनमें कहीं जो उम्मीद है उससे हटकर कहीं नुकसान ना करा दें, तो इस बात का ध्यान रखना आपको परम आवश्यक है। तो हम चाहेंगे आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर इस वर्ष में बहुत अच्छे से समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। वर्ष ओवरऑल अच्छा है, ग्रह गणना दे रहा है,
लेकिन ये सूचनाएं हैं कई मामलों में सुख, क्योंकि बृहस्पति का भाव जो दृष्टि है पंचम भाव में है, वो पंचम भाव जमीन जायदाद इत्यादि से लाभ देने के योग देता है, घोड़ी घाड़ी गाड़ी घोड़ा इत्यादि से लाभ देने के योग देता है, लेकिन बेकार के कामों में कई मामलों में नुकसान भी करा सकता है। ओवरऑल सुख रहेगा, मन में शांति रहेगी, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं उठापटक ना हो जाए इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से, अपने समय को, अपने हाथ को अच्छे से एनालाइज करने का प्रयास करें। इस समय में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होगा, 21 अप्रैल से जैसे परिवर्तन होगा वो आपके लिए कई तरह से, उसके बाद राहु महाराज हटकर आपके विशेष तौर पर जो पीछे आएंगे वो एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। राहु का परिवर्तन जो इस वर्ष होने वाला है वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने वाला है, वो आपके लिए हम कहेंगे कि क्यों, इसलिए हम कह रहे हैं कुछ अच्छा कुछ खराब है। राहु का परिवर्तन जो अक्टूबर में होगा वो आपके सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। पाराशर के अनुसार से एकादश भाव का राहु जो है वो जैसे आंधी आती है ना, और आंधी क्या करती है, कोने विचालों में जितने कूड़े वगैरह का ढेर होता है, बड़े से बड़ा बवंडर होता है, वो निकाल कर बाहर सब हटा देता है, तो वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए योग बनाने वाला है अक्टूबर के बाद से। लेकिन उससे पहले आपको इस कार्य को सावधानी से करने की ज़रूरत है, कई उपायों को करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम चाह सकते आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं, अपने गुरुजनों के पास जाकर एनालाइज कराकर बहुत सोच समझ कर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जैसे बीच में परिवर्तन कई ग्रहों का होगा, बृहस्पति वक्री भी होंगे 5 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, वो आपके लिए एक सेफगार्ड उपस्थित कर सकता है ग्रहों की गणना के अनुसार से। शनि विशेष तौर पे वक्री हो जाएंगे 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो ग्रह का गणना के अनुसार से आपका साल दिखाई देता है वो सूचना हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो ओवरऑल कुछ अच्छा कुछ कष्ट वाला ये ग्रह आपके लिए दिखाई दे रहा है, मुहूर्त बहुत अच्छा है जिसमें आप यदि उन कष्टों को दूर करने के लिए उपाय इत्यादि कर लें तो बहुत अच्छे से। देखिए उपाय के लिए क्या किया जाए, आरंभ ही हमारा तो सब कुछ भगवान के आरंभ से होता है ना, भगवान के हम प्रार्थना करते हैं तो आप दिव्य अपराध क्षमा प्रार्थना के अंदर मत समापात की नास्ती पापग्नि त्वत्सवानाई एवं ज्ञात्वा महादेवी मिथा योग्यम तथा कुरु, हे भगवती आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही सब जानती हैं क्या होना है क्या अच्छा, मैं तो पता नहीं क्या क्या मूड मांगता रहूँगा, यथा योग्यम तथा कुरु। इसलिए नवरात्र का सुंदर मुहूर्त हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने स्थापित किया, नव वर्ष आरंभ हो रहा है, अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करो, अच्छा समय होगा तो बहुत बढ़िया तरह बढ़ा देगी माँ भगवती, और जब कष्ट में समय होगा तो उन कष्ट को कम कर देंगी। तो इसलिए इस सब सिद्धांत को समझते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमने भी इस सिद्धांत को समझते हुए अपने आश्रम पे बड़ा सुंदर यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था रखी हुई है, हमारे आश्रम पे वर्षों से नवरात्र के सुंदर अवसर पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया था, इस वर्ष भी है, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में भगवती दुर्गा का शिव विग्रह बड़ा सुंदर विद्यमान है, बड़ा चमत्कारी विग्रह है जो अनादिकाल से पाकिस्तान में उपस्थित था और 1947 में हमारे आश्रम पर दिल्ली में पधारा, आप वहाँ उनका दर्शन करें, कल्याण होगा, चमत्कार होगा, ग्रहों का योग एक तरफ, माँ भगवती कृपा एक तरफ, चमत्कार अवश्य होता है, कृपा अवश्य होती है, कर्म की आवश्यकता है। तो आपके मन में कोई शंका चल रही हो तो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर आप फ़ोन कर अपनी समस्याओं का निदान जान सकते हैं। धन्यवाद।